कैसे हो आप सब। फाइनली जो है गणपत का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ट्रेलर देखने के बाद मैं वही चीज बताऊंगा जैसे कि मैंने आपको टीजर में कहा था। मैंने बार बार एक चीज बोली है कि इस बंदे को किसने एक्टर बनाया और कौन इसको एक्टर मानता है, मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आई है। टाइगर श्रॉफ से एक्टिंग जो है ना दूर दूर का वास्ता नहीं है, इसके पास सिर्फ एक चीज है, वो है एक्शन। और वो एक्शन जो है एक बार नहीं, जितनी भी फिल्में उनकी आप उठा के देख लो, हीरोपंती, हीरोपंती 2, बागी 1, बागी 2, बागी 3, फ्लाइट जेट, जितनी भी फिल्में देख लो इनकी उठाकर, सारी फिल्मों का एक्शन आपको एक जैसा लगेगा, सेम जैसा लगेगा, कोई चीज नया नहीं होता। हवा में कूदना, बंदूकों की गुलाटी मारना, मैं बार बार बोलता हूँ इनकी यही एक अदा है। एक्टिंग तो इनसे होती नहीं है और इनकी एक डायलॉग जो ऐसी होती है जिसका मजाक पूरे साल लोग बनाते हैं। बड़े बड़े एक्टर जब एक्शन पे आते हैं ना अपने लुक में तो मजा आता है, गूज़बम्प आते हैं, खतरनाक माहौल हो जाता है। लेकिन इस बंदे का जो एक्शन आता है ना तो आप इरिटेट हो जाते हो, आप गुस्सा आता है कि यार कुछ तो नया कर, बंद कर, चुप हो जा, शट अप, बस कर यार। ऐसा योद्धा बना है जो मरेगा नहीं, सिर्फ मारेगा, मतलब ये मर नहीं सकता। इसमें अमिताभ बच्चन का भी जो रोल देखने को मिलता है ना वो भी इंसान जो है इरिटेट ही कर रहे हैं इसमें, मतलब उनको देख के भी वो मजा नहीं आता। तो जब कोई एक्टर होता है ना, जब उसकी प्रेजेंटेशन होती है किसी भी, चाहे ट्रेलर में हो चाहे पर्दे पे हो, तो कुछ ना कुछ तो देख के मजा आती है, एक्साइटमेंट अलग होती है। लेकिन इसका ट्रेलर आ गया, इस एक्टर का ट्रेलर आ जाए, पूरी फिल्म देख लो, कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ता बॉडी पर, सिवाय इरिटेट के आदमी की। हर एक चीज में इनका सिर्फ एक ही चीज है, एक डायलॉग पकड़ लेते हैं, छोटी बच्ची हो क्या, जैसे कि पता है कि लोगों ने कितना इसका मजाक बनाया था। उसके बाद सबको आती नहीं, उसका लोग मजा है कि मुन्ना को जब गुस्सा आता है तो मुन्ना फोड़ता है, अभी तो मैंने शुरू किया है, यही सब इनके पास एक डायलॉग है जो पूरी फिल्म में ये चपका देते हैं। एक्शन तो पूछ लो इनका ऐसा है कि जमीन पे ये बंदा रहना ही नहीं चाहता, ये हवा में वही तरीके से जैसे एक्शन बागी 1, बागी 2, बागी 3, हीरोपंती, हीरोपंती 2 जिसमें सेम एक्शन वही है, उसके सिवा नया कुछ भी देखने को इसके अंदर नहीं मिलता। एक्सपेक्टेशन की गई थी कि ये बहुत बड़े पैमाने पे शूट किया गया है, इसको एक नई चीजें दिखाई जाएंगी, आज से 70 साल पहले की चीज दुनिया दिखाई जाएगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, VFX खतरनाक होगा, जबरदस्त होगा। लेकिन 2 करोड़ का है, उससे बेहतरीन तो आप कार्टून चैनल देख लो, लाजवाब, देख के आपको मजा आएगी। इसको देख के तो आपके मुंह से सिर्फ गाली निकलेगी। इसको कौन एक्टर मानता है मैं तो आज तक यही समझ नहीं पाया। अगर जो बंदा इसको एक्टर मानता हो मतलब उसको एक्टर की पहचान ही नहीं है। अच्छा, इसकी एक्ट्रेस भी बहुत ही कमाल की हैं, जिनका नाम है कृति सेनन। उन्होंने कहा एक डायलॉग है, मैं एक आखिरी वार्निंग हूं। जाहिर सी बात है जो आपकी ये आखिरी ही वार्निंग है, इसके बाद जिस डायरेक्टर ने इनको फिर से अपनी फिल्म में लिया तो उसके लाइफ में टंटे हो रखे होंगे। इस बंदे के अंदर एक्शन पूरी फिल्म में टोटल मिला के स्टोरी होती मुश्किल से 15 से 20 मिनट, बाकी जितना भी है वो एक्शन ही चलता है, 15-20 मिनट का एक्शन ही चलता रहता है। आदमी बोर हो गया थिएटर के बाहर चला जाता है, यार ये आदमी अगर रुकेगा तो बताना कि थोड़ा बहुत हम एक्टिंग भी देख लें। लेकिन उससे आदमी का सामना नहीं होता एक्टिंग से। आपने देखा होगा इसकी फिल्म के अंदर 100-100 लोग सामने खड़े होते हैं, ये अकेला सबको मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, आदमी थक जाता है, देखने वाला कहता है भाई साहब बस कर बस कर, लेकिन ये थकता नहीं है, ये मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, पूरी फिल्म इसी पे चलती है। मैं बोल रहा हूँ इस बंदे को एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, ये सिर्फ इरिटेट इंसानों करता है और थिएटर में आके पब्लिक का पैसा बर्बाद करता है, बहुत ही थर्ड क्लास का है। मुझे तो बहुत ही घटिया लगा, मैंने तो पहले भी कहा था इससे मुझे एक्सपेक्टेशन 0 की है। दोस्तों आपने ये ट्रेलर देखा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ आपको कैसा लगा और आपको इससे क्या उम्मीदें हैं। मैं तो जानता हूं ये फिल्म देखना अपना सर पकाना बराबर है, इससे अच्छा आप पुरानी फिल्म देख लो, वो बेस्ट है।